क्वेश्चन नंबर 12, ए फ्लैग स्टाफ स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए टावर एट ए पॉइंट डिस्टेंस डी फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ लेसन ऑफ द टॉप ऑफ ए फ्लैग स्टाफ एंड दैट ऑफ द टावर आर बीटा एंड एल्फा रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज डी ब्रैकेट टेन बीटा माइनस टेन एल्फा. नाउ लेट इट इज टावर ए बी एंड इट इज फ्लैग स्टाफ ए सी. ए सी इज फ्लैग स्टाफ एंड ए बी इज टावर एंड ए पॉइंट डी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर एंड ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ इल्यूशन फ्रॉम पी टू द टॉप ऑफ द टावर इज एल्फा एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज बीटा. वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ मीन्स वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ ए सी. लेट ए बी इज द फ्लैग ए बी इज द टावर एंड ए सी is flag staff stand on the top of the tower. On the top of the tower. Top of the tower. Now firstly we take triangle. There are two right angle triangle ABP and CBP. Then in triangle ABP, we apply tan alpha. It is given the top, the angle of elevation of the top of a flag staff and that of the tower. Means point P से flag staff के top का angle of elevation beta दिया है and tower के top का angle of elevation alpha दिया है. And tan alpha equal ए बी बाई बी पी देन इट इज टेन एल्फा ए बी इज अननोन एंड बी पी इज गिवन डी देन वैल्यू ऑफ ए बी इज डी टेन एल्फा. नाउ इन ट्रायंगल बी पी सी वी हैव टेन बीटा इक्वल BC upon BP, tan beta. BC is the sum of AC, AC is flag staff, and AB, AB is tower, by BP is D. Then it is D into tan beta equal value of AC. AC is unknown. It is height of the flag staff which we have to find. AB is D tan alpha. Then D tan beta minus D tan alpha equal AC. Then height of flag staff. Means AC is equal D tan beta minus tan alpha.